कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में एंटी करप्शन सोसाइटी की ओर से करनाल के जिला सैनिक बोर्ड में स्थित शहीदी स्मारक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कारगिल के युद्ध में शहीद हुए शहीदों की शहादत को याद किया गया। इस मौके पर प्रतिमा रक्षा सम्मान समिति के अध्यक्ष नरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस देश के शौर्य का प्रतीक है। इस दिन हमारे जवानों द्वारा कारगिल में विजय पताका फहराई गई थी और देश का झंडा कारगिल की पहाड़ियों पर लहराया गया था और इस युद्ध में पाकिस्तान को कड़ी शिकस्त दी गई थी। उस युद्ध के दौरान हरियाणा के भी बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए थे। उन्हीं की याद को ताज़ा रखते हुए और उनकी शहादत को देश के लिए दी गई कुर्बान को याद किया गया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में एंटी करप्शन सोसाइटी के पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ करनाल के शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल के में शहीद हुए शहीदों को आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदस्य आज यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से इन शहीदों को नमन करने के लिए पहुँचे हैं। और अगर मैं कारगिल दिवस की बात करूँ, आज पूरे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में जो है जहाँ जहाँ हमारे भारतवासी हैं वहाँ पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। क्योंकि कारगिल विजय दिवस हम भारतवासियों के लिए बहुत ही गौरव का दिन था जब पाकिस्तान को युद्ध में हराकर भारत ने कारगिल विजय जो युद्ध था, कारगिल विजय दिवस इसीलिए आज मनाया जाता है, वो युद्ध भारत ने जीता था। लेकिन उसके बाद वो जो हमारा कारगिल विजय दिवस था उस विजय दिवस को विजय बनाने में हमारे बहुत से शहीदों ने, भारत माता के सपूतों ने अपना वहाँ पर अपनी बलिदान दिया अपना, तभी हम वो युद्ध जीत पाए और आज हम बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं। तो आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं। मेरा आपके समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हम उन शहीदों की शहादत को कभी मत भुलाएं। जिन शहीदों की शहादत के कारण आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम एकता और अखंडता के रूप में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आज हम सुरक्षित हैं, तो सारा वो हमारे देश पे जो सीमा पे जवान दे रहे हैं या जो सीमा पे जो हमारे जवान वहाँ पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, ये उन्हीं के कारण है। तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम सभी इन शहीदों को जो विशेष दिन होते हैं, जब हम इनका जन्मदिन मनाते हैं, जब हम इनका श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं, या हम ऐसे कारगिल विजय जैसे दिन मनाते हैं, या हम पुलवामा का दिन मनाते हैं, तो हम इन शहीदों को श्रद्धांजलि अपने समय कीमती समय में से 2 मिनट कम से कम इन शहीदों के लिए जरूर निकालें। ये संदेश हमारे बच्चों के लिए, ये संदेश हमारी युवा पीढ़ी के लिए, ये संदेश हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।